संजय चोपड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है देश। हरिद्वार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महास्वच्छता मिशन को सफल बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व मंडी अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा के संयोजन में अलकनंदा घाट प्रथम न्यू स्मार्ट वेडिंग जोन रोली बेलवाला महिला पिक वेडिंग जोन विष्णु घाट पुल बिरला घाट पद्दीप पार्किंग जटवाला पुल वेंडिंग जोन सेक्टर 2 बेरियल भगत सिंह चौक प्रस्तावित वेंडिंग जोन बस स्टैंड बिरला चौक आदि इत्यादि क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ महास्वच्छता अभियान में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में नगर निगम प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए देशवासी संकल्पित होकर भारत देश को स्वच्छता की ओर बढ़ाने के लिए एकजुट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वच्छता अभियान प्रत्येक महीने की किसी तिथि पर देश में चलाया जाता रहना चाहिए, जिससे दुनिया में स्वच्छता को लेकर भारत की एक नई पहचान बने। संजय चोपड़ा ने ये भी कहा, जिस प्रकार से अन्य दिवस मनाए जाते हैं उसी की तर्ज पर देश में झाड़ू सफाई दिवस मनाए जाने की परंपरा भी कायम की जानी चाहिए, ताकि आम जनता को स्वच्छता के प्रति अपनी दिनचर्या में स्वच्छता का ध्यान रहे। नगर निगम की ओर से आनंद सिंह मिश्रवान, सहायक अभियंता सामाजिक कार्यकर्ता में राजकुमार एंथनी, पंडित कमल शर्मा, नंद किशोर गोस्वामी, मुन्नालाल मोहनलाल, हेमंत कुमार, नीरज कश्यप, तस्लीम अहमद, आजम अंसारी, रणवीर सिंह, विजेंद्र चौधरी, कामिल अंसारी, श्रीमती पूनम माखन, नम्रता सरकार, सुनीता चौहान, मंजूपाल, सीमा देवी, कामिनी मिश्रा, पार्वती देवी, सुमन गुप्ता, पुष्पा दास, सुमित्रा देवी, संगीता देवी, दिशा चौहान, प्रभा देवी पूनम, भूपेंद्र राजपूत, योगेंद्र सिंह, ओम प्रकाश कालियान, लालचंद गुप्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। भारत को स्वच्छ बनाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश एक बार आज 1 अक्टूबर को एकजुट दिखाई दिया सफाई अभियान पर। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये अभियान अनेक दिन चलना चाहिए और कम से कम एक व्यक्ति को ईमानदारी के साथ में सफाई अभियान में सप्ताह भर के अंदर कोई भी दिन मुकर्रर कर ले, चाहे वो इतवार का दिन हो या बुधवार का दिन हो, जो भी इसको सूटेबल लगता है, एक दिन ऐसा मुकर्रर कर ले 2 घंटे का श्रमदान। यदि अगर देश की जनता, देश के जनप्रतिनिधि अगर 2 घंटे का श्रमदान करते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है वो काम कारगर होगा, निश्चित रूप से देश स्वच्छ बनेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब आंदोलन के समय पर हरिद्वार आए थे तो स्वयं उन्होंने शौचालय साफ किए थे, हरकी पौड़ी के आसपास के शौचालय साफ किए थे, और वहाँ से उन्होंने पैदल मार्च निकालकर स्वामी श्रद्धानंद जी के यहाँ गए थे गुरुकुल में। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल में जब पहुँचने के बाद गांधी जी का सम्मान किया और गांधी जी का सम्मान करके उन उपाधि थी वो हरिद्वार में मिली थी, और उस जमाने में उन्होंने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, क्योंकि मेला उठाया जाता था उस टाइम पर फ्लैश नहीं होती थी, उस टाइम पर जो है मेले के विरोध में गांधी जी ने एक अभियान चलाया था। और निश्चित रूप से वो अभियान, मैं कहना चाहता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, वो हरिद्वार से उसकी शुरुआत हुई थी। तो हरिद्वार, हम गंगा नगरी के लोग हैं, हम गंगा जमनी तहजीबी में रहते हैं, हमारे बराबर में कलियर पुराण भी है, हमारे बराबर में हरकी पौड़ी भी है, हमारे यहाँ बद्रीनाथ भी है, हमारे यहाँ केदारनाथ भी है, हमारे यहाँ रीठा साहब भी है, तो हमारे यहाँ हेमकुट साहब भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है एक शांत प्रिय देवों की नगरी है, और देव वहाँ निवास करते हैं जहाँ सफाई होती है। तो निश्चित रूप से आज सफाई का अभियान, हमें जो जिम्मेदारी हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा दी गई थी, जो हमारे नगरीय हमारे नगर आयुक्त हैं दयानंद सरस्वती द्वारा जो हमारे को जिम्मेदारी दी गई थी, हमें कहा गया था कि 3 बेंडिंग जोन साफ करने, लेकिन नहीं, हमने 3 बेंडिंग जोन तो साफ करे, क्योंकि मिश्रवान जी हमारे साथ हैं, चीफ इंजीनियर हैं नगर निगम के, वो हमारे साथ हैं। हमने इसके अलावा जहाँ हमें अच्छा लगा, क्योंकि आज हमने मन से, अपने तन मन से इस कार्य को किया है, और निश्चित रूप से बड़ा आनंद आया, बहुत ही आनंद आया, क्योंकि सफाई व्यवस्था के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कोरोना की वैश्विक महामारी के डटकर मुकाबला हमारे देश के लोगों ने किया, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सफाई अभियान चलेगा तो बीमारी स्वतः ही
इंसान के नज़दीक नहीं आएगी। तो ये अभियान कंटिन्यू चलने चाहिए। आने वाले दिनों में हम ये प्रस्ताव माने मुख्यमंत्री जी को भी देंगे, भारत सरकार को भी ये सुझाव देंगे कि आने वाले दिनों में इसमें एक निगरानी कमेटी बने और निगरानी कमेटी के साथ साथ ये अभियान कंटिन्यू चलना चाहिए। एक दिन ऐसा होना चाहिए झाड़ू दिवस के रूप में। सारे दिवस हम मनाते हैं लेकिन झाड़ू दिवस नहीं मनाते, तो झाड़ू दिवस भी मनना चाहिए। और झाड़ू दिवस यही होना चाहिए कि प्रत्येक घर के बाहर प्रत्येक आदमी के हाथ में झाड़ू हो और झाड़ू लगाकर वो सफाई कर रहा हो, उसका नाम झाड़ू दिवस होना चाहिए। धन्यवाद।